साहब के अज अहदेदार की चोण की गई है। तो टवाणा जी प्रधान बने ने, मैं जी नवी चुनी समूह टीम हाँ लख लख बधाई दिंदा। अज की मीटिंग जो पंचकूले के पत्रकारों के उत्ते हमला किया गया उसकी सर्वसम्मति दे बहुत सख्त शब्दों में निखेधी करते हुए कार्रवाई की मांग की आ, तो जिन्हों का पत्रकारों का नुकसान होया उन्होंने मुआवजे की मांग की गई है। क्लब का प्रधान है, बड़ी खुशी की गल है, तो असं रब की अरदास करते हैं कि क्लब दिन दुगनी रात में तरक्की करे। तो दूजी गल जी, कल घटना मंदभागी घटना हुई है पंचकूला में, पत्रकारों के उपर ओपी वैना उपर हमला होया। असी डी जी पी पंजाब हरियाणा पुलिस का रिजाइन मंगते हैं, तो उन्होंने बर्खास्त चाहते हैं, उसमें बर्खास्त किया जाए। तो पत्रकारों के उपर दोबारा इस तरह के हमले रोकने लिए सख्त हदायत दी जा। बहादुर सिंह टिवाणा का प्रेस क्लब नूं कायम करन दा जिहड़ा ये उपराला बहुत शलाघायोग है। मैं इन्हां जिथे मुबारकबाद दिना उत्थे पत्रकार वीरां नूं भी ये कहांगा कि वह एक मुट हो के अपने हकों की राखी करन। और मैं भी अज की मीटिंग दे विच ये गल की है कि हरियाणा के डी जी पी साहब कहिंदे ने कि पत्रकारों का नुकसान तो होया क्योंकि वह एक मिथी हुई लाइन तो अगे गए। ये बहुत ही चिड़ाउण वाली गल है, जख्मों के उत्ते लूण छिड़कण वाली गल है। जिन्ना नुकसान होया सारा आप सारे टैलीविजन चैनलों के उत्ते देख चुके हैं। तो ये सच्चाई नूं छुपाउण दी और जिहड़ा पत्रकारों नूं चिड़ाउण वाली गल है। तो असी प्रेस क्लब वालों हरियाणा के डी जी पी तो इस जिला प्रेस क्लब का फतेहगढ़ साहब का गठन होया, जिदे विच सरदार बहादुर सिंह टवाणा नूं प्रधान चुनिया गया। ये प्रेस क्लब का जो गठन बहुत जरूरी हो गया सी क्योंकि पत्रकारों की बहुत सारे समस्यावान जिन्हों के उत्ते सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। इन समस्यावान के हल लिए, पत्रकारों के समस्यावान के हल लिए उन्होंने जो उन्होंने मंगा ने उन्हें एक मंच से उठाने इस क्लब का गठन किया गया है। इसलिए मैं बहादुर सिंह टवाणा बधाई दिंदा हाँ। तो नाल ही मैं अज के जो क्लब के मता पास किया गया है, निंदा मता पास किया गया जो कि पंचकूला के पत्रकारों के उत्ते हमला होया, ये उत्थे दी पुलिस और प्रशासन की नलायकी है जिस कारण पत्रकारों दिया ओ बी वैना नूं अग लगाई गई चैनलों की, बहुत ही मंदभागी घटना है। प्रेस नूं चौथा थम कहा जाता है, जेकर चौथा थम ही सुरक्षित नहीं तो होर कौन होगा। उस तो बाद सब तो वड्डी विडंबना यह है कि डी जी पी हरियाणा ये बयान दिंदा है कि ये तो बहुत मामूली घटना, सन तो बहुत वड्डे नुकसान की उम्मीद सी पर नुकसान घट होया। बड़ा ही गैर जिम्मेवाराना उसका बयान है। असी सरकार तो मंग करते हैं कि ऐसे डी जी पी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसनों तुरंत प्रभाव डिसमिस किया जाए जिसने कि ऐसा गैर जिम्मेवाराना बयान दिता है। तो असी केंद्र सरकार तो सूबा सरकार तो मंग करते हाँ कि पत्रकार जो कि अपनी जान पर खेड के लोगों तक सूचना मुहैया करवाते हैं, पत्रकारों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। जिन्हों का पत्रकारों का पंचकूला विच कवरेज दौरान नुकसान होया, माली नुकसान होया, मुआवजा दिता जाए।